आज हम करने वाले हैं अभी अपना क्वेश्चन नंबर 5। मैंने लास्ट वीडियो में आपको कराया था क्वेश्चन नंबर 4, तो आज हम देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 5। तो फटाफट से हम देखते हैं। तो देखिए अभी पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोला है। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, किसके के भी ग्लूकोज की, इन अ वाटर लेबल्ड एज 10% W/W। देखिए लास्ट क्लास में था 68% बाय मास आपका दे रखा था, यहाँ पे क्या देगा अभी 10% W/W। इसका मतलब भी क्या है, अभी 10% वेट बाय वेट आपको दे रखा है, ठीक। यानी कि आपके पास में क्या अभी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन कितना है अभी आपका, ये सॉल्यूशन है आपका 100 ग्राम का सॉल्यूशन। अब इस 100 ग्राम के सॉल्यूशन के अंदर हमने ग्लूकोज ऐड किया है, और इस ग्लूकोज का कितना परसेंट, कितना ग्राम भी आपका 10 ग्राम। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि 10% W/W का मतलब होता है हमारे पास में, इसका मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि परसेंटेज की बात की है तो सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम होगा, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर जो आपका ग्लूकोज है वो कितना है, 10 ग्राम है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला भाई, 10% वेट बाय वेट हमने बोला। अब देखो इसी टर्म को हम समझ के यहाँ पर लिखते हैं इसके टर्म्स के बारे में कि 10% जो है आपको क्या क्या वैल्यूज दे सकता है। बच्चों ये 10% आपको 3 वैल्यूज दे सकता है, जो कि आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो 10% में आपको ये 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, किसका मास दिया भाई, ग्लूकोज का मास दिया है। और ग्लूकोज यहाँ पे कैसे ऐड कर रहा है, एज अ सॉल्यूट की तरह ऐड कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, मास ऑफ ग्लूकोज दैट इज सॉल्यूट, मास ऑफ ग्लूकोज जो कि क्या है भी आपका एक सॉल्यूट है, और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे अभी एब्रीवेशन W भी यूज करेंगे, इज इक्वल टू कितना 10 ग्राम। सॉल्यूशन की बात करें तो क्या बोला अभी, मास ऑफ सॉल्यूशन जो आपका पूरा सॉल्यूशन बन रहा है ग्लूकोज को घोलने के बाद में जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका जो टोटल मास है वो आपको कितना दिया अभी 100 ग्राम। और सॉल्वेंट की बात करें, आपको पता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट, ठीक। यानी कि हमें पता है जो सॉल्यूशन होता है हमारे पास में वो क्या होता है अभी आपका, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट होता है, यही चीज होती है। तो अगर आपको सॉल्यूशन का मास इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास प्लस में आपका सॉल्वेंट का मास, तो क्या अब हम यहाँ से हम अपना ये सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। तो अगर हम सॉल्वेंट के मास करेंगे तो डब्ल्यू ए कितना निकलेगा भाई आपका, ये निकल जाएगा 100 माइनस में आपका 10, दैट मीन्स आपका डब्ल्यू ए कितना बन जाएगा डायरेक्टली 90 ग्राम। भाई मैं आपको इतना डीप में कैलकुलेशन करके इतना इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता भाई डब्ल्यू ए कहाँ से आ गया, डब्ल्यू बी कहाँ से आ गया, तो इसीलिए मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसकी, मास ऑफ सॉल्वेंट की, किसका करेंगे अभी, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भाई आपका कितना आ गया भाई आपका 90 ग्राम आ गया आपके पास में। ऑब्वियसली सिंपल सी बात थी, सॉल्यूट दे रखा है, सॉल्यूशन दे रखा है, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस कर दोगे तो सॉल्वेंट देगा, दैट इज 100 में से माइनस करोगे 10 तो दैट इज 90 ग्राम आपका, ठीक। यानी कि आपको 10% वेट बाय वेट से 3 चीज़ें मिली, पहली चीज थी सॉल्यूट का मास, दूसरी चीज थी सॉल्यूशन का मास, और तीसरा हमने सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस करके किसका निकाला अभी, सॉल्वेंट का मास। यानी कि आपको 3 चीज़ें यहाँ पे पता चल गई। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है बच्चों, ग्लूकोज की बात की जा रही है। अब ग्लूकोज की बात की जा रही है तो मोलर मास तो यूज होना ही है, वो तो कहीं जाने से रहा। तो अगर हम यहाँ पे देखें मोलर मास तो किसकी याद करेंगे अभी, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, ऑफ ग्लूकोज, ठीक। तो ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसका जो मास आएगा हमारे पास में बच्चों, वो याद रखना इसका आता है 180 ग्राम पर मोल। यानी कि ग्लूकोज का तो आप याद रख लो क्योंकि जितने भी आपके सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस आएंगे वो या तो ग्लूकोज पे बेस्ड होंगे, या आपके सुक्रोज पे बेस्ड होंगे, या आपके नॉर्मल शुगर पे बेस्ड होंगे, या यूरिया पे बेस्ड होंगे। तो बार बार हम उनका मास निकालें तो उससे बेटर ही है, कुछ पर्टिकुलर हमारे पास में जो कंपाउंड्स होते हैं उनका हम मोलर मास याद रख लें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इन छोटे छोटे चीज़ों के कैलकुलेशन करने के लिए। तो ग्लूकोज का मास कितना होता है भी आपका, 180 ग्राम पर मोल। आपको ये चीज़ याद हो गई, ठीक। यानी कि आपको मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, और मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू ए, ये भी आपको मिल गया, और साथ में मोलर मास ऑफ किसका, ग्लूकोज का मिल गया आपके पास में। अब देखो यहां आगे क्या बोला है इसने, व्हाट वुड बी द मोलालिटी, क्या बात की भाई, मोलालिटी की बात की है। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा यहां पे मोलालिटी। अगर हम मोलालिटी की बात करें, किसकी याद करें बच्चों, मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका बोला अभी? सॉल्वेंट का मास रहेगा, याद रखना केजी में होना चाहिए आपका ये चीज़। तो ये किसके वही फॉर्मूला है आपके पास भाई? ये फॉर्मूला आपका मोलालिटी का। तो अगर हम इस मोलालिटी का फॉर्मूला सिंबल के फॉर्म में देखें तो जो आपका मोलालिटी होता है उसको हम लिखते हैं स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स को लिखते हैं भाई हम n से, किसकी बात की? सॉल्यूट की। तो एब्रीवेशन क्या होगा? बी यूज किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे अभी? एन बी लिखेंगे। अपॉन में मास की बात की है तो डब्ल्यू किसकी मास की बात कीजिए? सॉल्वेंट की बात की गई है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम भाई? डब्ल्यू ए लिखेंगे। ठीक, अब देखिए आपको पता होना चाहिए जो मोल्स होता है उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो यहाँ पे आपके पास में मास, यहाँ पे किसका मास आएगा अभी? आपका सॉल्यूट का मास आएगा। नीचे कौन आएगा अभी? आपका सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉरी सॉल्यूट का मोलर मास। और यहाँ कौन आएगा भाई? सॉल्वेंट का मास। यानी कि मोलालिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इन टू में डब्ल्यू ए। अगर आपका केजी में है तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर ग्राम में है तो ऊपर क्या लगा देंगे बच्चों? 1000 लगा देंगे। आपको फॉर्मूला मिल गया। ठीक, अब देखो जरा, आपको डब्ल्यू बी दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, एम बी दे रखा है, हाँ जी हमने निकाल लिया, डब्ल्यू ए भी निकाल रखा है, सारी चीज़ें। क्या मोलालिटी निकल जाएगी यहाँ से? चलिए फटाफट से देखते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम मोलालिटी की बात करेंगे तो मोलालिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी कितना दिया अभी हमें? 10 ग्राम दे रखा है, साथ में कौन है अभी? आपका 1000 है, क्योंकि ग्राम में बात की गई है, केजी में बात नहीं, ग्राम में। अगर केजी में होता तो हम 1000 नहीं लेते हैं, लेकिन ग्राम में बात की इसलिए हमने 1000 लिया है, क्योंकि हमें प्रॉपर अपनी यूनिट को ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। नीचे मोलर मास कितना है अभी ग्लूकोज का? 180 आया हमारे पास में। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है अभी आपका? 90 ग्राम हमने निकाला था। इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ से ये चला गया आपका, ऊपर बचेगा 100, नीचे आ जाएगा भी आपके पास में 18 इंटू में 9 आपके पास में। इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आपके पास में ये आएगा 0.62। यूनिट ख्याल में रखना क्या होती है अभी? मोल पर केजी। यानी कि मोलालिटी इज इक्वल टू 0.62 मोल पर केजी। ये तो भाई आपका पहला आंसर निकल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसने बोला है आगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सबका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, जो मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आपके पास में इसको हम बोलते हैं जाय, जो कि हमारा मोल फ्रैक्शन है। अगर हम बात करेंगे भी किसकी? ग्लूकोज की, तो उसको लिखेंगे हम जाय भी। यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज जो है आपके पास में, ये क्या आपका भाई? जाय भी है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपका जो है वो यूज़ हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम जायबी की बात करें तो जायबी इज इक्वल्स टू आएगा एन बी अपॉन में एन ए प्लस में एन बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है भी आपका? कि जिसके मोल फ्रैक्शन की बात की उसके मोल्स नीचे और नीचे आपके ऊपर, और नीचे आपको टोटल मोल्स आपको रखने होते हैं। तो ग्लूकोज की बात की तो ऊपर ग्लूकोज के मोल्स, बाकी नीचे पूरे सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स होंगे, चाहे सॉल्यूट या सॉल्वेंट हो, सबका नीचे हम पूरा निकाल के उसको प्लस कर देते हैं। तो अब देखो जरा, ये आपका जाय भी है आपके पास में। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो क्या आपका बच्चों ये बन सकता है? ये आपका डब्ल्यू बी, और ये क्या बन जाएगा अभी आपका? ये एम बी बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये कौन है अभी आपका? सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे कौन है अभी आपका? सॉल्यूट। तो मास ऑफ गिवन मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं, डायरेक्टली आंसर निकलेगा आपका। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ वैल्यूज पुट करें तो आपको डब्ल्यू बी कितना दिया? 10 ग्राम। देखो ये दे रखा है 10। ठीक है, एम बी कितना निकाला अभी हमने? 180 निकाला। देखो ये आपके पास में 180। ठीक, नीचे कौन है आपका भाई? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए देखो बच्चों 90 दे रखा है आपको। और यहाँ पे एम ए बच्चों कौन है आपका? यहाँ पे सॉल्वेंट। यहाँ पे बात की गई भी आपकी किसके भी? ग्लूकोज को किसके अंदर ऐड किया है भाई? जनरली कुछ नहीं देगा तो आपका वाटर है। तो वाटर का मोलर मास कितना होता है भी आपका? जो एम ए होता है वो आपके पास में, वाटर की बात करें हम तो वाटर का जो मोलर मास होता है वो हमें दे रखा होता है 18 ग्राम पर मोल। बच्चों ये तो नोन वैल्यूज होती है तो हमें याद ही रखनी पड़ती है, बहुत ही बेसिक आपका टर्म है आपके पास में। तो मतलब वाटर का मोलर मास कितना जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। तो नीचे क्या कर देंगे भाई? 18 प्लस में कितना हो जाएगा? 10 अपॉन में 180। अब देखो उसको सॉल्व कर दो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में? ये हो जाएगा 10 अपॉन में 180। नीचे कौन है अभी आपका? ये 90 अपॉन में 180 सॉरी 18 प्लस में 10 अपॉन में 180। अब देखो जरा बेसिक कैलकुलेशन है, आराम से नीचे वाले को हम क्या कर लेते हैं अभी? एलसीएम ले लेते हैं।
तो ये आपका 180, नीचे वाले का एलसीएम लो कितना आएगा, नीचे वाले का एलसीएम भी डायरेक्टली कर दो, ये आपका 18 इंटू में 180, इसको आप 90 इंटू में 180 कर दो, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18 इंटू में 10 हो जाएगा। अब देखो ये टर्म ऊपर चला जाएगा आपका, ये टर्म ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई आपका, ये हो गया 10 अपॉन में 180 इंटू में 18 इंटू में 180 डिवाइडेड बाय, ये टर्म नीचे जाएगा 90 इंटू में 180 प्लस में 18 इंटू में 10। अब देखो 180 से 180 चला रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा आपका डायरेक्टली, ऊपर क्या आ जाएगा भाई आपका 180। अब देखो आपको पता है 18 9 का कितना होता है 162 होता है, यहाँ पे कितने जीरो है, दो जीरो, ये लगा दिया प्लस में। अब देखो 18 और 10 को किससे करेंगे अभी आपका 180 हो जाएगा, तो ऊपर कितना अभी आपका 180, नीचे हम देखें तो कितना आएगा आपका ये 16200 और आपका ये 180, ये 0, ये 8, ये 3, 16, यानी कि 16380, 0 से 0 क्या क्या बचा आपका 18 अपॉन में 1638। आपका जो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 0.011, कितना है अभी इसका मोल फ्रैक्शन, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.11, ग्लूकोज का निकल गया। अब दूसरा कौन है यहाँ पे आपका, वाटर है, वाटर की बात की जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आपका क्या आएगा अभी 1 आएगा, तो फटाफट से इसको उतार लीजिए, हम आगे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, अभी आगे किसकी बात की, अभी मोल फ्रैक्शन की बात की वाटर की, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम वाटर की मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या बनेगा अभी आपका, ये जाय ए इज इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा अभी, सिंपल से देखो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू सॉल्वेंट का प्लस में सॉल्यूट का, ये इज इक्वल टू कितना आता है 1 आता है आपके पास में, आपको पता होना चाहिए, यानी कि जितने भी टर्म्स होते हैं उन सबका मोल फ्रैक्शन कितना आता है अभी आपके पास में 1 आएगा। आपने जाय भी निकाल लिया और जाय ए भाई आपको निकालना है और आपको ये 1 के बराबर है, तो जाय ए हमें रहने दे, जाय इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस में जाय बी बन जाएगा। अब जाय ए इज इक्वल टू 1 माइनस में जाय बी कितना निकाला, जरा ध्यान से देखना 0.011 कितना निकाला अभी 0.011। अब 1 में से उसको माइनस कर दो, तो जाय ए इज इक्वल टू 1 में से माइनस करोगे तो 1.000, ये 0.011 आपका, तो बन गया 9, ये बन जाएगा आपके पास में 8 और ये 9, तो बन गया 0.989, कितना आ गया भाई आपके पास में 0.989। देखो आपने मोलालिटी भी निकाल ली, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज भी निकाल लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल दिया। अब आगे देखो उसने क्या बोला, इफ द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर एमएल देन व्हाट शैल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, किसकी याद की भी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन की बात की है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला भी हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 4, तो वहाँ पे भी सेम कंसेप्ट था, आपको कुछ नहीं करना, जिस तरीके से वहाँ किया था वैसे ही यहाँ पे हमें करना है। तो भाई मोलारिटी का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, जो मोलारिटी होता है, मोलारिटी की बात करें भाई, लिटी तो हमने पहले ही निकाल दिया, अब रिटी की बात कर रहे हैं, तो मोलारिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी इंटू में भी आपका 1000 होता है अपॉन में एम बी होता है और इंटू में वॉल्यूम होता है आपके पास में, ठीक। अब देखो बच्चों जरा ध्यान से देखना, आपका वॉल्यूम यहाँ पे आपका पूरा लेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करके हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे रखा है लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं वॉल्यूम नहीं दे रखा, वॉल्यूम की जगह हमें दी है डेंसिटी, क्या दी अभी डेंसिटी, और आपको पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी होती है ये होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक। किसकी डेंसिटी दी है भाई, ये दिया है आपको भाई सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है तो मास भी किसका यूज़ करना है, सॉल्यूशन का ही यूज़ करना है, गलती से सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूट का यूज़ मत कर लेना, यहाँ पे जिसकी बात की गई है आप उसी का यूज़ करोगे। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है तो ये डब्ल्यू अपॉन में डेंसिटी हो जाएगा भैया। आपको मास कितना दे अभी आपका 100 ग्राम मास है और डेंसिटी कितनी अभी आपकी 1.2 है, तो ये भी ग्राम में था, ये ग्राम पर एमएल में था, बच्चों ग्राम से ग्राम चला गया, पर एमएल ऊपर जाके सिंपल एमएल बन जाएगा, तो आपका जो वी है वो कितना आएगा अभी आपका 100, ये 1000 बन गया डेसिमल हटा के, इतना एमएल आपके पास में क्या आ गया अभी आपका वॉल्यूम आ गया। अब डायरेक्टली इसमें पुट कर देते हैं हम वैल्यू, देखो तो आपका डब्ल्यू वी कितना है, जरा ध्यान से देखना, डब्ल्यू वी है 10, ऊपर देगा ऑलरेडी 1000, मोलर मास कितना भी आपका 180 और यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया अभी आपको 1000
और आपका ये 12 कहाँ चला जाएगा, अभी आपका सिंपल से ऊपर चला जाएगा, तो 1000 से 1000 कट गया आपका, ऊपर कितना बचा 120 अपॉन में 180, 0 से 0 गया, ये 12 अपॉन में 18, ये 6 और आपका 9 यानी कि 6 अपॉन में 9, इसको सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट आपके पास में ना चिक, आपके पास में 54 ना चिक 54, 54 में से आपका फिर आपके पास में फिर सिंपल से आपका इतना ही आएगा, तो लगभग आपकी जो मोलारिटी आएगी, क्या आएगी बच्चे आपकी मोलारिटी, वो 0.66 समथिंग मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इतनी आपकी मोलारिटी आएगी। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन में आपको बेसिकली तीन चीज़ें पूछी हैं, पहला तो मोलारिटी पूछा है, दूसरा मोल फ्रैक्शन दोनों का, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का, और तीसरा आपसे पूछा है भी मोलारिटी, ठीक मोलारिटी आपकी। तो ये तीन चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछी जाएंगी, तो क्वेश्चंस आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इसी तरीके के हैं, सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, आपको कहीं पे परसेंटेज मास दे रखा होगा, कहीं पे मास बाय वॉल्यूम दे रखा होगा, यानी कि आपको टर्म्स दे रखे होंगे, आपको सिर्फ टर्म्स को समझना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक, तब तक के लिए टिल टाटा एंड बाय बाय।